नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते खबरों की ओर, भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच आज 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है और अब यदि भारतीय टीम तीसरा मैच भी जीत लेगी तो वो अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप से हरा देगी। वहीं खेल प्रेमियों के बीच भी मैच को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय टीम और अफगानिस्तान टीम के बीच T20 सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मैच है और ये मुकाबला आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अब यदि भारतीय टीम तीसरा मैच यानी कि आज का जो मैच है वो भी जीत लेती है तो अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप से भारतीय टीम हरा देगी। वहीं खेल प्रेमियों के बीच भी आज के मैच को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन, आज भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच हो रही T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला है और इसे लेकर खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्या कुछ विश्लेषण है इस मैच को लेकर पूरे सीरीज में, क्योंकि भारतीय टीम लगातार 2 मैचों में जीतती आई है, तो आज के मैच को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी भारतीय टीम की? देखिए, रणनीति तो बिल्कुल साफ है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत का ये आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला है, तो निश्चित तौर पर इसका जो अंत है या इसका जो समापन है वो भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी कि विश्व कप से पहले अपने आखिरी T20 इंटरनेशनल में वो जीत दर्ज करे। इसके अलावा अगर बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा का जो बल्ला है वो पिछली 2 पारियों से खामोश है, तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा चाहेंगे कि आज एक बड़ी पारी खेलें। इसके दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम एक कॉन्सोलेशन विन की तरफ जरूर जाना चाहेगी। वो चाहेगी कि कम से कम एक जीत के साथ तो वो वापस जाए और भारत को T20 इंटरनेशनल में पराजित करे। हालांकि उसके लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। पिच जो है, अगर हम बात करें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की, तो वो बैटिंग पैराडाइज है। यहाँ पे रन बनते नहीं बल्कि बरसते हैं, तो एक बार फिर से बल्लेबाज आज जश्न मनाएंगे इसकी उम्मीद आप मानकर चलिए। और यहाँ पर जो है एक अवसर है जो इंडियन जो बैटर्स हैं, खास करके रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैं बात करूंगा कि ये जो 2 अनुभवी बैटर हैं जिन्होंने कि T20 इंटरनेशनल जो है काफी दिनों के बाद खेली है। इधर पिछले मैच में विराट की वापसी हुई और पहले मैच से रोहित की वापसी हुई थी 14 महीने के बाद, तो दोनों ही चाहेंगे कि विश्व कप से पहले जो है वो एक बड़ी पारी खेलें। अब देखना है इसमें वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम है जो राशिद खान के नहीं होने की वजह से, चूंकि वो टीम के साथ तो हैं लेकिन टीम में पिक नहीं किए जा सकते अपनी इंजरी की वजह से, तो इससे जो है उनकी बॉलिंग की जो धार है वो बहुत कुंद हो गई है और ऐसी परिस्थिति में जो है वो इंडियन बैटर्स को परेशान नहीं कर पा रहे हैं। इस सीरीज की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो शिवम दुबे इस सीरीज की खोज रहे हैं और उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है और 250 वो लगा चुके हैं और मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि एक और 50 के साथ इस सीरीज का वो समापन करें। तो बहुत सारे बॉक्सेस जो है इंडियन टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले टिक हो चुके हैं। हालांकि जो T20 का विश्व कप है वो जून के महीने में खेला जाएगा। इन सब के बीच एक दिलचस्प आंकड़े की भी बात है कि अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम आज का मैच जीत लेती है तो क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान जो है वो रोहित शर्मा हो जाएंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, तो उस रिकॉर्ड भी शायद आज मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम मैच पर अगर बात करें
तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम की कोशिश एक बार फिर से चेज करने की होगी और वो चाहेंगे कि वो इस एक और जीत के साथ इस सीरीज का समापन करें और अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करें, मतलब 3-0 से उसके खिलाफ सीरीज जीते, ये उसकी कोशिश होगी। जी राकेश रंजन, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने इटली को 5-1 से हरा दिया है। आपको बता दें कि उदिता ने 2 गोल किए, वहीं दीपिका, सलीमा और नवनीत ने 1-1 गोल किए हैं। जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब सेमीफाइनल्स में जर्मनी से भारत का मुकाबला होगा। आपको बता दें कि FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने इटली को 5-1 से हरा दिया है। आपको बता दें कि उदिता ने 2 गोल किए, वहीं दीपिका, सलीमा और नवनीत ने 1-1 गोल किए हैं। जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है और अब सेमीफाइनल्स में जर्मनी के साथ भारतीय टीम का मुकाबला होगा।